फारूक अब्दुल्ला तो ये कहता है कि आज़ादी का मामला ही नहीं, आज़ादी का मामला कुछ भी नहीं, हम लोग लैंड लॉक्ड हैं, एक तरफ से चीन है, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से हिंदुस्तान है, तीनों के पास एटम बम है, हमारे पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये जो आज़ादी की बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। हमें ये मानना चाहिए कि साहब अगर फैसला हुआ, अगर हिंदुस्तान ने हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया, उन्होंने विश्वासघात किया, हम जिस मोहब्बत से गए थे उन्होंने उस मोहब्बत को पहचाना नहीं, इसीलिए आज जो यहाँ मुसीबत है वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने शब खून डाला है कश्मीर के अवाम के ऊपर। हमारा हक है कि हमें वो अंदरूनी खुद मुख्तारी वापस करें, तब कहीं ना कहीं यहाँ पे अमन आएगा।